Hello guys, this is the brand new Oppo F27 5G. Today we are going to unboxing it and let's see what is inside and how many watts of charger in this box and which types of color of this phone. So let's look on the box. Halo light and AI ultra clear imaging and armor body and a smart adaptive screen. ये चारों चीज जो है इसका आपका KSP हो गया, तो unboxing करते हैं देर ना करते हुए, unboxing कीजिए. और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर जी, फ़ोन को अभी रखिए साइड में, ठीक है. इसके अंदर एक्सेसरी दिखाइए हमारे दर्शक को, इसके अंदर क्या निकलता है. एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक हाई क्वालिटी का सिलिकन केस मिला है, सिलिकन कवर मिला है. आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है और राउंड शेप में ओप्पो ने पहली बार कैमरा लाया है राउंड शेप में, तो मैं इसका लुक भी दिखाऊंगा. इससे पहले कवर को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा इसमें जो है ना सेफ्टी के लिए बनाया गया है कि इस तरीके से अगर भी रखिएगा तो आपको कैमरा में स्क्रैच नहीं आएगा, ठीक है. बात करते हैं इसके चार्जर की, तो इसके अंदर आपको निकलता है 45 वाट का सुपर बुक चार्जर. F27 में आपको 45 वाट का सुपर बुक चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी का है और काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है. बात करते हैं केबल की, तो केबल आपको मिल जाता है USB 2 Type-C डेटा केबल और इसका लंबाई भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, ठीक है. और बात करते हैं इसके अंदर सिम इजेक्टर टूल की, तो एक सिम इजेक्टर टूल निकल जाता है जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी का है. अब जो है ना डॉक्यूमेंटेशन की बात करें कुछ, तो इसमें आपको क्विक गाइड निकलता है जिसमें आपको किस तरीके से फ़ोन चलाना है आपको सारा गाइड किया गया है. अब फाइनली फ़ोन को अनकवर करेंगे. चलिए हमारे प्रिय सर जी फ़ोन को जो है अनकवर कीजिए, हमारे दर्शक को दिखाइए. ओ माय गॉड, लुकिंग लाइक अ वाव. जैसा कि देख सकते हैं इस कलर का नाम कंपनी ने रखा है इमेरल्ड ग्रीन, और ये जो काफ़ी बेस्ट है और काफ़ी खूबसूरत कलर है. यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है और हल्का ग्रीन टाइप का है. एज यू कैन सी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इनोवेटिव AI कैमरा. जैसा कैमरा में ओप्पो का होता है सब इनोवेटिव कैमरा होता है, बैक में आपको डुअल कैमरा का आपको सेटअप मिल जा रहा है और एक फ्लैश लाइट है. इसमें एक यूनिक चीज़ है क्या कि इसमें आपको हालो लाइट दिया है. हालो लाइट मतलब कि इस, तो ये तो मेन फ्लैश लाइट हो ही गया, इसके अलावा इसके चारों सर्किल में एक लाइट जलता है रेडियम टाइप का, ठीक है. तो मैं अभी उसको जला के भी दिखाऊंगा डिस्प्ले ऑन कर करके. नीचे की ओर देख सकते हैं आप एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एक आपको यहाँ पे मिल जाता है सिम ट्रे और एक मिल जाता है आपको स्पीकर और एक छोटा सा माइक है. राइट साइड में आप देखिएगा यहाँ पे आपको पावर बटन मिलेगा, वॉल्यूम बटन मिलेगा, ठीक है. आप सोच रहे होंगे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है या नहीं, हाँ इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है. ऊपर की ओर आपको मिल जाता है से डॉल्बी साउंड का, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा होल है यहाँ पे जिसमें डॉल्बी साउंड का आपका सिस्टम है और एक सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन है. बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है. अगर डिज़ाइन की बात करें ना, तो इसमें आपको बिल्कुल स्क्वायर शेप में डिज़ाइन बनाया है और ये ओप्पो का जो है ना काफ़ी इनोवेटिव डिज़ाइन है और ये जो है पहली बार आया है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड शेप में बिल्कुल अनवल्की कैमरा है, कहने का मतलब कि कैमरा ये उठा हुआ भी नहीं है, बिल्कुल डिस्प्ले के जो है ना इसके सरफेस के बराबर है, ठीक है. तो ओवरऑल जो लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है. अब बात करते हैं इसका डिस्प्ले की और इसका कैमरा की, तो अभी फटाक से इसको ऑन किए हैं. सबसे पहले ब्राइटनेस को हम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से नज़र आए, हमें भी अच्छे से नज़र आए. सेटिंग में जाना है, ठीक है. अबाउट फोन में जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे F27 है, 256 GB का स्टोरेज है. स्टोरेज काफ़ी अच्छा है, इससे क्या होता है कि फ़ोन हैंग तैंग करने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि 256 GB इनफ होता है. 5000 mAh की बैटरी आपको मिल जाती है, साथ में आपको डायमेंसिटी 6300+ का प्रोसेसर ऑक्टा कोर का मिल जा रहा है जो कि काफ़ी बेस्ट है. एंड्रॉयड 14 के साथ आपको जो है ना ये सपोर्ट करता है. बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा आपको जो है ना बैक कैमरा की बात करें, तो बैक कैमरा भी अगर जूमिंग देखा जाए तो इसका जो है ना जूमिंग भी है काफ़ी, मतलब कि क्वालिटी अगर बात करें तो ये जूमिंग का क्वालिटी भी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं. एक मिनट हम थोड़ा सा कुछ जूम करके दिखा देते हैं आपको. एक्सपोजर यहाँ पे 2.0, यहाँ पे 0.0 कीजिए और उसके बाद जूम कीजिए, क्योंकि अभी वाइट आ रहा था क्योंकि एक्सपोजर जो है ना इसका किया हुआ था आपको 2.0 पर, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोजर कीजिएगा वाइटनेस उतना ज़्यादा रहेगा. बात करते हैं कि इसमें मोड फंक्शन में क्या दिया है. मोड फंक्शन में जाइएगा तो यहाँ पे आपको पानो मोड दिया, हाई रेज ऑडियो दिया, नाइट मोड दिया, यहाँ पे डुअल व्यू वीडियो, मतलब एक बार में फ्रंट और बैक दोनों वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. बात करते हैं सेल्फी की, तो सेल्फी का क्वालिटी जो है जैसा कि देख सकते हैं सेल्फी भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि 32 MP का सेल्फी है. और ओप्पो जो है ये कैमरा के लिए स्पेशलिस्ट फ़ोन है, ठीक है. टच रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है, इसका टच रिस्पॉन्स मिलता है. तो ओवरऑल फ़ोन जो है ना ये हमको काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. और इसका हालो लाइट हम आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है. जैसे सेटिंग में, सॉरी सेटिंग नहीं, अभी हम कुछ भी लॉन्च कर लेते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ भी नहीं जल रहा है, ठीक है. लेकिन जैसे ही गेम लॉन्च करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे गेम हमने लॉन्च किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए ये जो यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक कर रहा है वही आपका हालो लाइट है.
फिर से एक बार हम बैक करते हैं और फिर से एक बार हम गेम लॉन्च करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो है ब्लिंक कर रहा है, वही हालो लाइट है एज यू कैन सी यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है ना ये फ़ोन जो है ना ये काफ़ी धूम मचाने वाला है मार्केट में। देखिए ये ब्लिंक किया ना, हाँ हालो लाइट। ये तो बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ओवरऑल फ़ोन हमको काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।